तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायद को नहीं पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। हालांकि कई दिनों से मैं उर्दू कवायद ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को और लगभग टॉपिक को कवर करा चुकी हूँ, तो अगर आप लोग उर्दू कवायद नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में 33% क्वेश्चन उर्दू कवायद से पूछा जाता है। ठीक है, ज़रूरी है उर्दू ग्रामर आप लोग पढ़ें, तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में के सेक्शन में जाकर देखेंगे तो उर्दू ग्रामर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा फॉर 2024 एग्ज़ाम के लिए, यानी कि आप लोगों का 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहाँ पर हर एक वीडियो आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा, वन बाई वन करके देख लीजिएगा और उर्दू कवायद के सारे टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का जो कहकशा का बुक है 10 चैप्टर तक पढ़ा कर स्टॉप की थी और उर्दू कवायद पढ़ा रही थी मैं आप लोगों को, तो उर्दू कवायद के लगभग टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 जो कि 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 11 है इसको पढ़ने वाले हैं। 11वां चैप्टर है, नाम है गुबार खातिर से 3 खतूत। गुबार खातिर जो है ना, समझिए ये खत का किताब है। किस चीज़ का किताब है? गुबार खातिर ये किस चीज़ का बुक है, किस चीज़ का किताब है? तो खत का, जिसमें टोटल 24 खतूत है। कितने खत हैं? 24 खत। किसके द्वारा ये खत लिखा गया है? तो लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना, वो अहमदनगर के किला में बंद थे और उस वक्त इनके पास समय ही समय था। ठीक है, मतलब अब जेल में अब क्या करेंगे, तो इनके पास समय ही समय था। तो अपने दोस्त, याद रखना है, हबीबुर रहमान खां शेरवानी, जिनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सदीक मुकर्रम भी कहते हैं। अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी को ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या कहकर पुकारते थे? सदीक मुकर्रम। इनफैक्ट अगर आप जो 3 खतूत आप लोगों की बुक में दिया गया है गुबार खातिर से लेकर, उसमें भी स्टार्टिंग में देखेंगे तो सदीक मुकर्रम ही लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जब भी इनको फुर्सत मिलता था तो अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां को खतूत लिखा करते थे। लेकिन अफसोस इस बात की थी ना कि वो खतूत, जितने भी ख़त लिखा करते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने दोस्त के लिए, वो ख़त उनके दोस्त के पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस वक्त जेल का नियम था, जिस कैदखाने में ये रहते थे उस कैदखाने का नियम था कि कैदी का कोई भी सामान कैदखाने से बाहर नहीं जा सकता है। इसीलिए जितने भी ये ख़त लिखा करते थे इनके दोस्त तक नहीं पहुंचता था। लेकिन जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल से रिहा हो गए, आज़ाद हो गए ना, तो इनका खतूत भी आज़ाद हो गया। मतलब ये कि अब इनका खतूत, जो 24 खत लिखे थे, वो इनके दोस्त हबीबुर रहमान खां के पास जा सकता था, पढ़ सकते थे, ये भेज सकते थे। तो हुआ क्या कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 24 का 24 खत जो है ना अपने किसी दोस्त को दिए और बोले कि ले जाओ हबीबुर रहमान खां को दे दो, क्योंकि मैं उसी के लिए ये खत लिखा था ताकि वो पढ़ ले जाकर दे दो, अब उसको वो पढ़ लेगा। तो जो उनका दोस्त है ना, वो बोला कि आपने इतनी शिद्दत से इन खतूत को लिखा है, इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में आप अपने जज्बातों को इतने खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया है, तो फिर इन खतूत को सिर्फ आपका दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी ही क्यों पढ़ेगा, पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे। और इस तरह उनका जो दोस्त है वो 24 जो ख़त लिखे थे, 24 ख़त का एक मजमूआ यानी कि किताब बनाया और उसको पब्लिश कर दिया। और इस तरह उस ख़त के किताब को सिर्फ हबीबुर रहमान खां शेरवानी ही नहीं पढ़े बल्कि पूरी दुनिया के लोग पढ़े लो। और इस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भी ज़्यादा मशहूर और मकबूल हो गए। ठीक है, तो इस तरह गुबार खातिर का किताब बना था और उसी गुबार खातिर नाम के किताब से, मतलब जो खतूत का किताब है, उसमें से 3 खतूत आप लोग के बुक में दे दिया गया है जिसको पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोगों के बुक में दिया गया है उन सभी डिटेल्स को समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में मुसन्निफ़ यानी कि राइटर से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के लिखने वाले कौन है मुसन्निफ़? वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनके बारे में सारा डिटेल समझ लीजिए। देखिए, आज तक क्वेश्चन तो चैप्टर से पूछा नहीं गया है, मतलब चैप्टर नंबर जो 11 है गुबार खातिर से 3 खतूत, इससे 2-3 ही क्वेश्चन पूछा गया है ज़्यादातर, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी जो जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सारा डिटेल समझना। इनके बारे में तो क्वेश्चन पूछ ही देता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो देखिए, इनका जो असल नाम है यानी कि रियल नेम, वो है मोहीउद्दीन अहमद। याद रखना है, इनका रियल नेम क्या है? मोहीउद्दीन अहमद। लेकिन ये फेमस किस नाम से हुए थे?
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। पैदाइश की बात कर लें तो 1888 ईस्वी को मक्का मुकरमा में इनकी पैदाइश हुई थी, याद रखना है 1888। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि इनका असल नाम क्या है, ऑप्शन में दिया रहता है मोहीउद्दीन अहमद, उसको टिक कर देना है, आसान है, बस आप लोगों को याद रखना होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीखी नाम रखा गया था फिरोज़ बख्त, ये भी मतलब आज तक तो पूछा नहीं गया लेकिन याद रखिएगा, पूछ सकता है फिरोज़ बख्त, ठीक है। आगे देखिए, इब्तदाई तालीम की बात कर ले, इनकी शुरुआती शिक्षा जो है ना इनके पिता वालिद मौलाना खैरुद्दीन से मिली। इनके पिताजी का नाम क्या है? मौलाना खैरुद्दीन। तो मौलाना खैरुद्दीन जो है ना एक तरह से शुरुआती इब्तदाई तालीम देने का काम किए थे अपने बेटे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। और याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश भले ही मक्का मुकरमा में हुई थी 1888 ईस्वी को, लेकिन बचपन में ही ये अपने वालिद मौलाना खैरुद्दीन के साथ भारत आ गए थे कलकत्ता में रहने के लिए। और कलकत्ता में ही ये मतलब हमेशा रहने के लिए, आप बोल सकते हैं ना मुस्तकल क़याम की खातिर। तो मौलाना खैरुद्दीन जो है ना अपने बेटे को लेकर हमेशा रहने के लिए कलकत्ता में आ गए, ठीक है, वहीं पर अपना घर लिए, ज़मीन ले लिए होंगे और रहने के लिए आ गए, ठीक। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अलग अलग मौलवी साहब से ये आगे की तालीम हासिल किए, क्योंकि इब्तदाई तालीम तो इनको अपने वालिद से ही मिल गया था, लेकिन आगे की तालीम, आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए अलग अलग मौलवी साहब है, जैसे कि मोहम्मद याकूब, नज़ीरुल हसन, सआदत हुसैन, ये अलग अलग हैं, अलग अलग मौलवी साहब से ये पढ़ाई लिखाई किए। और 1903 में महज 15 बरस की उम्र में इन्होंने एक रिसाला पत्रिका जिसका नाम है लिसानुल सिदक शाये कर दिया। देखिए 15 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, 15 साल की उम्र में ये बच्चों को पढ़ाया करते थे। और 1903 यानी कि महज 15 साल की उम्र में इन्होंने एक रिसाला यानी कि पत्रिका भी जारी कर दिया जिसका नाम है लिसानुल सिदक, ठीक है। 1906 ईस्वी में शादी हो गई इनकी, इनकी बीवी का नाम क्या है? मोहतरमा जुलेखा बेगम, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1906 कंफर्म नहीं है, अगर ऑप्शन में देगा 1906 तो 1906 टिक कर दीजिएगा, 7 देगा तो 1907 टिक कर दीजिएगा, ठीक। तो शादी हो गई थी मोहतरमा जुलेखा बेगम से। और 1908 में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पिता मौलाना खैरुद्दीन का इंतकाल हो गया किसी बीमारी की वजह से। 1908 में ये मिस्र, तुर्की और इराक का भी सफ़र किए थे। 1912 ईस्वी में कलकत्ता से अल हलाक अखबार निकाले, 1912 में, याद रखना है, 1912 में कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हलाल नाम का ये अखबार निकाले थे कलकत्ता से। और ये जो अल हलाल नाम का अखबार था ना, इसको जंग आज़ादी का कारण मानकर बंद कर दिया गया। अंग्रेज़ तो आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं भारत पर, ठीक है। तो क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इस अखबार को जंग आज़ादी का कारण मानकर, यानी कि आज़ादी के लिए जितने भी आंदोलन हो रहे थे, जंग हो रहा था, उसका कारण मानकर अल हलाल नाम के अखबार को बंद कर दिया गया था। कब? 1914 में। 1912 में तो निकाले ही अखबार, और ठीक 2 साल के बाद 1914 में अल हलाल नाम के अखबार को बंद करवा दिया गया, अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। उसके बाद से फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चुप नहीं बैठे, उन्होंने 1916 में अलबलाग नाम का अखबार शाये कर दिया। जैसे ही इनका अलहलाल नाम का अखबार बंद करवाया अंग्रेज़ों ने 1914 में, तो 1916 में इन्होंने एक और अखबार जारी कर दिया, शाये कर दिया, जिसका नाम था अलबलाग। और इसको अंग्रेज़ों ने ना ही सिर्फ बंद किया बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनके सूबे से बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसको भी बंद करवा दिया अंग्रेज़ों ने, और इनको सूबे से अपने जिस एरिया में रहते थे बाहर निकलवा दिया गया। और अप्रैल 1916 से लेकर जनवरी 1920 ईस्वी तक तकरीबन 44 महीने ये रांची में नज़रबंद रहे थे, याद रखिएगा 1916 से लेकर 1920 तकरीबन 44 महीने ये रांची में नज़रबंद रहे। और 1920 में महात्मा गांधी के बुलावे पर ये कांग्रेस और खिलाफत तहरीक में शामिल हो गए। 1920 में जब ये आज़ाद हो गए, मतलब रांची में 1920 तक ये नज़रबंद थे, लेकिन जब ये रिहा हो गए तो 1920 में महात्मा गांधी ने इनको बुलावा भेजा, और महात्मा गांधी के बुलावे पर ये कांग्रेस और खिलाफत तहरीक में शामिल हो गए। और मतलब आप बोल सकते हैं पॉलिटिक्स में ऐसे जुड़े ना, राजनीति में ऐसे जुड़े कि फिर दोबारा मुँह मोड़कर पीछे नहीं देखा, मतलब जब ये पॉलिटिक्स में जुड़े तो उसी में काम करते ही रह गए, ठीक है। और 1923 महज 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सदर हुए, यानी कि प्रेसिडेंट बना दिए गए। ये कम उम्र में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने कम उम्र में कांग्रेस का कोई
प्रेसिडेंट बना था वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 35 साल की उम्र में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे 1923, याद रखिएगा। और फिर 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के सदर रहे, लगभग 6 सालों तक, 1940 से 46, 6 साल हो रहा है ना, 6 साल तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। और उसी दौरान भारत छोड़ो तहरीक हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था ना, तो 1942 में भारत छोड़ो तहरीक हुआ था और कैबिनेट मिशन का वाकया, मतलब इस तरह का पेश आया था। तो ये दोनों जो घटना है ये इन जब ये कांग्रेस के सदर बने थे प्रेसिडेंट तभी हुआ था। और उसके बाद से देखिए हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। और जब ये वज़ीर तालीम बनाए गए तो वफ़ात यानी कि 22 फरवरी 1958, जब तक इनकी मौत नहीं हुई ना तब तक ये उस ओहदे पर कायम रहे, यानी कि 22 फरवरी 1958 को इनकी मौत हो गई तब तक ये वज़ीर तालीम बने रहे थे, यानी कि शिक्षा मंत्री थे, उस ओहदे पर कायम थे, उस पोस्ट पर थे। तो इस तरह जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पूरी ज़िंदगी, मतलब पूरी ज़िंदगी तो नहीं, मतलब शॉर्ट कट आप लोग के बुक में दिया गया है, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है, याद रखिएगा। और सिर्फ ये राजनीति में ही नहीं रहते थे, इन्होंने बहुत सारे राइटर का भी काम किया, किताबें भी लिखी, जैसे कि तज़करा, ये खुद नविश्त का किताब है आप बोल सकते हैं, तर्जुमानुल कुरान ये 3 जिल्दों में है, इंडिया वंस फ्रीडम, गुबार खातिर, ये सब क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ किताबें हैं। तो ये हो गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सारा डिटेल्स, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं इस चैप्टर को, और 3 जो खतूत है गुबार खातिर से, जो 3 खतूत आप लोग के बुक में दिया गया है, इन 3 खतूत में क्या क्या बताने की कोशिश किए हैं अपने दोस्त, क्या क्या, कौन कौन से जज्बात को ज़ाहिर किए हैं अपने ख़त में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चलिए देख लेते हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहला जो खतूत है ना, पहले खतूत में जो आप लोग के बुक में दिया गया है उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेरवानी को अपने ज़िंदगी, हालात और ज़िंदगी के बारे में बताए हैं, अपने बचपन की कहानी बताए हैं। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ज़हीन था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, जब बच्चे खेला करते थे तो मैं किताब उठाकर किसी कोने में बैठा रहता था और पढ़ता रहता था, ठीक है। तो इस तरह बात जो है ना बताए हैं पहले ख़त में, यहाँ तक ये भी बताए हैं कि मैं जिस तरह एक बांसुरी अंदर से खाली होता है लेकिन फरियादों से भरा होता है, उसी तरह मैं भी हूँ। कौन बोल रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने आप को बोल रहे हैं कि जिस तरह बांसुरी अंदर से खाली होता है, खोखला होता है लेकिन फरियादों से भरा होता है, उसको बजाओ तो मतलब सुरों का, धुन का और लफ्ज़ों का भंडार लग जाता है, उसी तरह मैं अंदर से खाली हूँ लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फरियाद है, मैं भी फरियादों से भरा हुआ हूँ, क्या ही बताऊँ, ठीक है। शरीर में बीमारी हो गई है, और वही चाय वगैरह के बारे में, मतलब इनकी, मतलब पूरा दिन कैसे गुजरता है जेल में, उसके बारे में पहले खतूत में बताए हैं, बस इतना जान गए काफ़ी है, क्योंकि इतना लंबा है ना आप चैप्टर खुद, अगर आप लोग के पास बुक है तो चैप्टर नंबर 11 निकाल कर देखिएगा, बहुत ही लंबा है और ऐसे वर्ड का यूज़ किया गया है, इससे पता चल रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ना काफ़ी टैलेंटेड थे, मतलब कि बहुत ही टफ़ आप बोल सकते हैं लफ्ज़ का यूज़ किए हैं अपने ख़त में, ठीक है। तो पहला ख़त में ये सारी बात हुई थी, अपने हालात और ज़िंदगी के बारे में बताए हैं अपने दोस्त को। और जो दूसरा ख़त है ना, पहले ख़त में हालात और ज़िंदगी लिख दे रही हूँ, हालात और ज़िंदगी, ठीक है। और दूसरे ख़त में ये अपने चाय के बारे में बताए हैं, कौन सी ये चाय पीते हैं उसके बारे में बताए हैं, बोल रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने दोस्त से, मुझे सबसे ज़्यादा जो चाय पसंद है ना, मेरा फेवरेट जो चाय है वो चीन की चाय है, नाम है वाइट जैस्मिन। वाइट जैस्मिन नाम का चाय जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का फेवरेट चाय था, जिसको उर्दू में कहा जाता है यास्मिन सफ़ेद और ठेठ उर्दू में कहा जाता है सफ़ेद चंबेली, ठीक है। तो चीन की चाय इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये बताए हैं दूसरे ही ख़त में बताए हैं अपने दोस्त को कि चाय का मतलब क्या, कि उसमें पानी हो, चाय पत्ती हो, बस और कुछ नहीं, पानी और चाय पत्ती से ही चाय बनता है। लेकिन इंडिया के लोगों को देखो, चीन में जो है ना 15 सालों से लोग चाय पीते आ रहे हैं, और मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मानना है कि चीन में जो चाय है 15 सालों से लोग पीते आ रहे हैं, और चाय की जो खेती है आप बोल सकते हैं पौधे, चाय का जो शुरुआत है वो चीन से ही हुआ, मतलब चाय पीने की ये जो परंपरा है वो चीन से ही हुई। और जब अंग्रेज़ भारत में आए, भारत पर अपना कब्ज़ा कर लिया, भारत पर राज करने लगे, तो फिर चीन से जो है ना चाय के पौधों को उठाकर भारत में लाकर लगा दिए,
लेकिन फिर भी उस तरह के गुणवत्ता वाले पौधे नहीं हुए भारत में जो कि चीन में हुआ करते हैं। और फिर ये अंग्रेज़ जो है ना, चाय जो कि पानी और चाय पत्ती से बनता था, अब उसमें दूध भी डालने लगे, चीनी भी डालने लगे, लौंग, इलायची, अदरक वगैरह डालकर चाय को सयाल हलवा बना दिए। ठीक है, ये बताए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चाय का मतलब होता है बस उसमें पानी हो और चाय पत्ती हो, उसी को कहते हैं चाय। और मेरा फेवरेट चाय है वाइट जास्मिन, लेकिन ये भारत के जितने भी अंग्रेज़ लोग हैं ये चाय को सयाल हलवा बना दिए है। चीनी, दूध, चाय पत्ती तो डाला ही जाता है, चीनी, दूध, अदरक, लौंग, इलायची वगैरह डालकर इसको सयाल हलवा बना देता है। ठीक है, तो ये सारी बात जो है ना चाय के ऊपर डिस्कस की है, और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है चीन की, चीन की चाय की, चीन के आप बोल सकते हैं वहाँ के लोगों की, वहाँ की परंपरा की तारीफ़ किए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और तीसरे ख़त में बात कर लें तो तीसरे ख़त में ये अपने बीवी के बारे में बताए हैं कि मेरी बीवी जो है बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं बात मानने वाली है, साथ देने वाली है, अगर रहे तो मतलब जन्मों जन्मांतर तक अगर पॉसिबल हो तो ये हमारा साथ देंगी। मैं रात को 12-1 बजे तक पढ़ता रहता था किताब खोलकर, तो हम पंखा डुलाती रहती थी, मैं बोलता था कि सो जाओ तो बोलती थी कि नहीं आप पढ़िए ना, और डुलाती रहती, मतलब साथ देने वाली थी मेरी बीवी। और याद रखिएगा जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में थे ही ना, जेल में थे तभी इनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, मोहतरमा जुलेखा बेगम का इंतकाल हो गया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास ऐसा मौका था कि वो जेल में एप्लीकेशन लिखकर वो अपने बीवी के जनाजे में चले जाएं, लेकिन फिर भी ये मौका को वो गवा दिए, वो अपने बीवी के जनाजे में नहीं गए। क्यों नहीं गए, सुनिए क्यों नहीं गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपने बीवी के जनाजे में जाने के लिए वो जिस जेल में कैद थे उस जेल का जो हेड है, ठीक है, वहाँ पर मतलब जेल में एप्लीकेशन लिखना पड़ता, आवेदन लिखना पड़ता, और आवेदन में लिखना पड़ता सेवा में महोदय कृपया आप हमें जाने की अनुमति दे, तो इस तरह जो है ना इस तरह लिखना पड़ता आवेदन में। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंग्रेज़ों को इतना रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते थे, इतना इज्जत और सम्मान नहीं देना चाहते थे, और इसीलिए वो ना तो आवेदन लिखे और ना ही अपने बीवी के जनाजे में गए। ठीक है, ये सारी बात थी। और इसी तीसरे ख़त में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी बताया है ना कि जिस जेल में मैं रहता हूँ उस जेल में एक कब्र ऐसा है ना कि जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ ना लगता है कि वो किसी अपने का कब्र है, कोई अपना है। ठीक है, तो कब्र के प्रति अपनापन भी ये दिखाए हैं तीसरे ख़त में। और पहले ख़त में ये जेल के बारे में बताए हैं कि जेल कितना दूरी में फैला हुआ है, बताए हैं कि 100 गज दूरी में फैला हुआ है, लंबा चौड़ा मैदान वगैरह है। तो जेल के बारे स्ट्रक्चर बताए हैं पहले ख़त में, और जेल में एक कब्र ऐसा है जिसके प्रति जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मनमोहित हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उनका कोई अपने लोगों का कब्र है, तो उसके बारे में तीसरे ख़त में बताएं। तो यहाँ पर ये तीन ख़त कंप्लीट होता है, बस इतना ही आप लोगों को जानना है, जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है वही वाला पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ, हर एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आई गारंटी यू कि अगर आप इन सभी टॉपिक पर कमांड कर लेते हैं, जितना भी आज की इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाई हूँ मैं, हर एक एक पॉइंट को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे, हर एक क्वेश्चन 100% करेक्ट बना कर आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, हो सकेगा तो अगले वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूँ। फिलहाल अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। और हाँ, जाते जाते मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहती हूँ कि अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए ना तो फटाफट शेयर कर दे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे तुरंत, जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ समझ में आता है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।